19 दिसंबर 2019। महोदय, हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले किसी भी आंदोलन को हम समर्थन देंगे, उसको पूरी स्वतंत्रता देंगे, पूरी सुरक्षा देंगे, लेकिन लोकतंत्र की आड़ लेकर के अगर कोई कानून की ध्वजियां उड़ाएगा, निर्दोष लोगों पर हमला करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, या फिर वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट और आगजनी की घटना को अंजाम देगा, तो फिर वह जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाएंगे। महोदय, 19 दिसंबर 2019 को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के साथ साथ ऐसे संगठन भी इस पूरे बंदी और महाबंदी में शामिल हुए थे जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते, जो सुरक्षा को तार तार करना चाहते हैं, जो संविधान की आड़ लेकर के और तिरंगे की आड़ लेकर के पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, जिनकी फंडिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक संकेत कर रहा है, टेरर फंडिंग है, और उन लोगों के प्रति हमारे विपक्ष के मित्रों की सहानुभूति। 15 दिसंबर को जब जामिया मिलिया में हिंसा हुई, जैसे ही हिंसा की खबर आई, मैंने तत्काल अलीगढ़ के प्रशासन को अलर्ट किया। मैंने कहा, देखो जामिया में कोई हिंसा हुई है, आप लोग वहां पर एक बार देखिए एएमयू में क्या हो रहा है। 15,000 छात्र सड़क पर उतर करके वे अलीगढ़ को जलाना चाहते थे, एक हिंसक कुछ लोगों की घुसपैठ उसके माध्यम से करके, फोर्स वहां पे थी, बाहर थी, फोर्स अंदर नहीं गई, और डीआईजी को चोट लगी, तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए, अंदर से पहले पत्थर फेंके गए, फिर पेट्रोल बम फेंके गए, फिर अवैध असलों से हमला किया गया। उस सब के बावजूद पुलिस ने धैर्य का परिचय दिया, और पुलिस तब तक कैंपस में नहीं गई जब तक कुलपति ने लिखित रूप से कैंपस के अंदर फोर्स को नहीं बुलाया, लेकिन कहीं कोई हताहत नहीं हुआ, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। अलीगढ़ पूरी तरह सुरक्षित है और सुरक्षित आज आगे। पुलिस और प्रशासन के कार्यों की तारीफ की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, और इसलिए भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। लेकिन पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, जो मरे हैं उपद्रवी उपद्रवियों की ही गोली से मरे हैं। ठीक बात है, कोई बात नहीं। बाधा ना डालिए, बातचीत ना करिए। अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारने के लिए निकला है अवैध असला लेकर के, और वह चाहता है कि मैं किसी निर्दोष को शिकार बना दूं, किसी व्यापारी को शिकार बना दूं, और वह पुलिस की चपेट में आता है, तो भैया तो पुलिस का कर्मी मरे या फिर वो मरे, दोनों में से किसी को तो मरना होना, किसी को तो मरना होगा। लेकिन एक भी मामले में पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है, ये उपद्रवी आपसी उसमें मरे गए हैं, और एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश इसके साथ होता है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।